अखेर नवीन संसद भवनाचा श्री गणेशा झालाय. सर्वच खासदारांनी जुन्या संसद भवनाला निरोप दिल्यानंतर नवीन संसद भवनात प्रवेश केला. पंतप्रधान मोदींसह सर्वच खासदार अगदी पायी चालत नवीन संसदेमध्ये पोहोचले. यावेळी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत सादर करणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे. तर आज जुन्या संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित होते आणि त्यांनी खासदारांसह देशाला संबोधित केलंय. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाचा इतिहास सर्वांसमोर मांडलाय. देशाच्या राजकीय इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे देशासमोर त्यांनी ठेवले. त्यावेळी आपल्या भारत देशानं कशी प्रगती केली, आपण आत्मनिर्भर कसे होत आहोत यावर सुद्धा पंतप्रधान मोदींनी भाष्य केलंय. तसंच त्यांची देशाची पुढची वाटचाल नेमकी कशी असेल यावर सुद्धा त्यांनी भाष्य केलंय. भारतासाठी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचंही ते म्हणाले. सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए. और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमारे रक्त के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी. और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे. जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते. मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी. इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया. हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है. और मैं एक जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा.